साहब मैंने किया, आपकी जो पूरी रिपोर्ट है जिसमें आप घूमे हो और उन जगहों में हिसार की मैं बात कर रहा हूँ, जींद की मैं बात कर रहा हूँ, अहिरवाल की बात कर रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस कभी मजबूत नजर नहीं आती थी 2024 में दोनों में भी अभी जो है मजबूत नजर आ रही है। देखिए जो सभी एक बार ये निकल जाएगा सर, एक सेकंड उसको माइक पे मत बोलिए, ऑलरेडी सर उनको निकलने दो, नहीं वो एक बार वो निकलवा रहे हैं कि माइक से आ रहा है क्या? हम ही गा रहे सर, हम ही गा रहे भैया। हेलो, नहीं माइक का नहीं था, हर कोई मत बोलो, ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, चलो माइक बदल लेते हैं, अब आ रहा है क्या? आ रहा सर, आ रहा है। ठीक है, नहीं जो एग्जिट पोल आप बता रहे हैं, एग्जिट पोल अपनी जगह है, वो आपको एक दिशा बता रहे हरियाणा की, और हम अपने पोल खुद भी हैं, हमें एक एक विधानसभा क्षेत्र के गांव, एक एक शहर वार्ड की क्या वोटिंग पैटर्न है उसका जो है किसी भी एग्जिट पोल से ज़्यादा हमारा अपना एक लोगों से संपर्क रहता है, और हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कल आप देख लेना जब गिनती हो, और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करते हैं, हरियाणा के लोगों ने मतदान में जो अपना योगदान दिया और बड़ी संख्या में मतदान हुआ हरियाणा में सभी, और शांतिप्रिय तरीके से जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न हुई, तो सभी हरियाणा के मतदाताओं का भी और सभी हमारे जो अधिकारी जो इसमें लगे हुए थे इस कार्य में, तो लगभग हर जगह निष्पक्षता से सारी बात चली, एक दो जगह जो कंप्लेंट्स आई हैं वो तो हमने करी, लेकिन सभी ने अपना जो योगदान दिया सबका धन्यवाद, और कल हमें विश्वास है बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा विनोद जी, आपका नंबर भी बता दीजिए ना, आपने जो कहा कि आपका नंबर एग्जिट पोल से अलग है, आपकी रिपोर्ट है जो एग्जिट पोल से अलग नहीं कहा मैंने, दिशा वही है, बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी, और जो आपने कहा कि जी मैंने बहुत मेहनत करी, जो आपने कहा कि सब जगह मैं गया, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी पिछले 10 वर्ष से और पिछले 5 वर्षों से, कांग्रेस का कार्यकर्ता हरियाणा में बधाई का पात्र है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अनथक मेहनत करी है, और इसमें किसी एक की मेहनत किसी दूसरे की मेहनत से कम ज्यादा का आकलन नहीं किया जा सकता, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सभी का योगदान है जो आज दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा उत्तर भारत का दिल कहेंगे हम हरियाणा को, ऐसे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से उभर के आई है, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा देश में विपक्ष को 28 राज्यों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत लोकसभा में हरियाणा में मिला, 28 राज्यों में विपक्ष को कहीं भी इतना मत प्रतिशत नहीं मिला, 47.6% वोट लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस के कार्यकर्ता की, हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता की, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, खास तौर पे मैं कहूंगा राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे, क्योंकि हरियाणा में से निकले थे, पूरी हरियाणा जीटी रोड बेल्ट फरीदाबाद उन्होंने कवर किया था, तभी एक माहौल बनना लग गया था आज से 2-2.5 साल पहले, और वो माहौल बनने लग गया था, और तभी से मैं समझता हूँ कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में बढ़ता ही रहा, केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ कि प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी अंतक मेहनत करी, जो आप देख रहे हैं आज भी आप देख रहे हैं जो वो जो एक खुशी सा का माहौल बधाई से का माहौल आप यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे निवास स्थान पर, ये सारे कार्यकर्ताओं से कि आप अगर चेहरे देखेंगे और इनसे पूछेंगे अलग से इंटरव्यू लिया ले आप कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है हरियाणा को के भविष्य को बचाने के लिए, और हमें विश्वास है कि इन सबकी मेहनत सफल हो चुकी है, और कल जब नतीजा आएगा वो कांग्रेस के पक्ष का नतीजा। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं सरकार तो वही बनाएंगे, दूसरा सवाल ये है कि सीएम कौन होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदीप जी धन्यवाद, जहां तक बीजेपी के दावे की बात है वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है, बीजेपी में ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है,
कि झूठ बड़े बड़े बोलो लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो, जितना बड़ा झूठ उससे ज्यादा बड़ा आत्मविश्वास, ताकि मीडिया के आपके साथी फिर उनको चलाए जाए। ये देखो कितने आत्मविश्वास से ये बोला की बात, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है ये, और अब देश जान चुका है इसकी बीजेपी की ट्रेनिंग को। तो बीजेपी के जो दावे हैं उनको मैं उस रूप से लेता हूँ। सीएम सीएम को लेकर क्या कहेंगे दीपेंद्र जी? दीपेंद्र जी सीएम का जवाब दीजिए आप। सर सीएम का जवाब चाहिए दीपेंद्र जी। ये हमारी बहन का और आपका एक ही प्रश्न है प्रदीप, वो उसी वही प्रश्न पूछ रही थी, तो हमने अपनी बहन को एक कटसी अलाउ करनी चाहिए। आपका अपना एक शैली रही है आक्रामक पत्रकारिता की, आपकी अपनी एक शैली रही है प्रदीप, और हम उसके कायल भी हैं, लेकिन वो आक्रामक वो आक्रामकता आप हमारे तक सीमित रखें। आप अपने सह आपने सह पत्रकार पत्रकार बहनों तक वो आक्रामकता ना पहुंचाएं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जवाब मत आप छोड़िए, जवाब धीरे 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 जवाब देखिए। ऐसा है, पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे जहां तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है, पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे आते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दशकों से कांग्रेस की एक प्रक्रिया चली हुई है, जिसका प्रदीप जी आपको भी जानकारी पूरी है, जिसकी आप कवर करते रहते हैं, आपने तो कई इस तरह की बैठकों में आपको देखा गया है हमने, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला दिया। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे सीएम के तौर पे, हालांकि पार्टी जो फैसला लेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप भी रेस में हैं, अपने आप को रखते हैं रेस में? मैंने आपको बताया, मेरे को तो लोगों ने बड़े बहुमत से देश की सबसे बड़ी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में, लोगों ने एक बड़े आशीर्वाद से मुझे दिल्ली पहुंचाया है, एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। और दूसरी बात, जहां तक लक्ष्य की बात है वो मैंने आपको बता दिया, हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं, आपको मैंने बता दिया। और जहां तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया की बात वो भी मैंने आपको समझा दिया, प्रोजेक्ट कौन किसको क्या प्रोजेक्ट करता है, हमारा काम प्रोजेक्ट का नहीं, वो प्रोजेक्ट का काम आप लोग का रहता है। आप लोग ये प्रश्न पूछ के आप किसको प्रोजेक्ट कर दें, और ये प्रश्न आप किससे ना पूछें किसको किसका प्रोजेक्शन खराब कर दें, वो प्रोजेक्शन किसका ठीक आप करेंगे, किसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग का काम रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बावरिया साहब से एक बार बातचीत हो रही थी, दो तीन जगह और भी रहा, हरियाणा में क्राउड पुलर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा की जो रैलियां होती थी या आपके जो संवाद होते थे, क्राउड के नंबर्स में सबसे ज्यादा वहां होते थे, तो जनता की जो बात आती है या फिर कहें कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा होता है, वो पैमाना भी क्या होता है इस तरह की जब सीएम पद की रेस? सभी तो जो आप कह रहे हैं तो उसमें तो सभी वो क्राउड जो है वो उसमें सभी की मेहनत है, वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो होंगे क्राउड में काफी, तो इसी में किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता किसी क्राउड का, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का
और प्रदेश की जनता को क्राउड का श्रेय मिलता है, किसी एक को नहीं। नंबर एक। नंबर दो, मैंने जैसे कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में जो माहौल बना हरियाणा, राहुल जी की पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो माहौल बना, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व था, उसको मैं बधाई दूंगा। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय नारायण जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से और मेरे ऐसे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिसमें मेहनत करी, सभी का योगदान और सहयोग है। आज जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी भी मजबूत परिस्थिति में पहुंच रही है, और बाकी क्राउड की मैंने आपको बात बता दी है, धन्यवाद, आप क्राउड पुलर बता रहे हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ना मैं हो सकता ना कोई और हो सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा इसमें बधाई के पात्र है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, क्योंकि वही वो क्राउड को लेके आता है। तो ये है, तो मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। सर, एक चीज है कि आप क्या चाहेंगे कि हरियाणा जो है अनुभव के हाथों में जाए या युवाओं को मौका मिले? ये हमारे विधायकों को भी युवा लड़ाई तीन तीन युवाओं की भी मांग। सिद्धार्थ जी, तीन प्रश्न पहले एक प्रश्न पूछा था सिद्धार्थ जी, तीन प्रश्न पहले एक आक्रमक पत्रकार प्रदीप ने एक प्रश्न पूछा था। सुनो, आपने एक प्रश्न पूछा था और उसमें मैंने जवाब में प्रक्रिया बता दी थी। हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी में दशकों से जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की चली आ रही है इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उस प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसमें अपने विवेक से अंतिम फैसला लेते हैं, चीजों में किसको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये हमारे और आपके ज्यादा विचार का प्रश्न नहीं है, हमारा और आपका जो काम था मेहनत करने का, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मेहनत करी सबने, और बदलाव हो हरियाणा में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, उस दलील पे कांग्रेस बड़े प्रचंड बहुमत के साथ पहुंच गई है, ऐसा हमारा मानना विश्वास है। बाकी कल तो आपको धीरे धीरे बिल्कुल सभी कांग्रेस जन आला कमान जो कहता है वो सभी कांग्रेस जन मानते हैं। ये भी कांग्रेस की एक हमारी प्रगति रही है। अरे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी आ गया प्रश्न, मैं इनका भी ले लेता हूँ फिर उसके बाद दोनों। दीपेंद्र जी दो सवाल है, एक तो 10 सालों तक हुड्डा सरकार रही, 10 सालों तक बीजेपी सरकार रही है, जो एग्जिट पोल सारे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कांग्रेस की बड़ी जीत, इसके पीछे आप ठीक है सबको श्रेय दे रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है असली फैक्टर जो 10 सालों की तुलना लोगों ने की हुड्डा सरकार की और 10 सालों की बीजेपी सरकार की, लोगों ने बेहतर पाया बीते 10 साल को और इस वजह से कांग्रेस को ये बम्पर जीत मिलने जा रही जो एग्जिट पोल सजेस्ट करते हैं, ये एक सवाल है। दूसरा एक ये है कि लीडरशिप ने अगर आपको जिम्मेदारी देने का फैसला किया, क्या आप तैयार हैं? वो क्या फैसला होगा बात की बात है, प्रणाली भी हमें पता है, क्या तैयार है? सर, मुख्यमंत्री को आपने कहा है, जो मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, कि 8 तारीख का इंतजार करें, शाम को बोहाना की जलेबी उनको भी मिलेगी। ये जो तमाम दावे हैं, क्या ये जनता के मैंडेट को देखते हुए हैं? नायब सिंह जी से कहना चाहते हैं, नायब सिंह जी कल मैं बयान देख रहा, राहुल गांधी जी के प्रति इस तरह की बात वो कर रहे थे, मैं समझता हूँ किसी भी वरिष्ठ राजनीति में, किसी अलग अलग दलों में आप हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एक आप स्वयं एक वरिष्ठ पद पर बैठे हैं अपनी पार्टी में, प्रदेश में, आपको इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और जहां तक जलेबी की बात है, आप बात जो कह रहे हैं, आपने कहा कि राहुल जी जलेबी को जो है घाना की जलेबी से खुश हो गए, आपने कहा सही बात है, वो जला ये हमारी जो जलेबी है गोहाना की जलेब जिसको कहते हैं माथुराम की, उससे तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश ही कोई भी अगर देश विदेश में कोई भी चखेगा तो उसको खुशी महसूस होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं नायब सिंह जी को कि जो आप कह रहे थे वही गोहाना के माथुर की जलेब का डब्बा कल शाम को चुनाव के नतीजों के बाद पहला डब्बा उन तक पहुंचाएगी, ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं। पहला क्योंकि ये खुशी का अवसर होगा हरियाणा के लिए, हरियाणा के लिए खुशी का अवसर होगा,
तो पहला डब्बा उन तक पहुंचाएंगे जैसा हम उनको विश्वास दिलाते हैं। सर, एक सवाल मेरा भी है। आपको भेज देंगे लेकिन आप भी जाते हैं वहाँ लांबा साहब, मेरे बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं वहाँ। सुनो, वहाँ ये जाते हैं और वहाँ फुलटॉस के सवाल पूछते हैं, यहाँ पे गुगली के सवाल पूछते हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं आप क्राउड पुलर हो, वहाँ पे ये बता देते हैं उनको कि वो क्राउड पुलर हो। तो ये तो आपको भेज देंगे सवाना की जलेबी का डब्बा लेकर नायक सिंह जी के पास। हम आपको आपको चयनित किया है सारे पत्रकार साथियों ने कि ये इनको भेजिए। दीपेंद्र जी, क्या आप तैयार हैं नई जिम्मेदारी अगर आपको लीडरशिप देती है? क्या आप रेडी हैं सर? क्या आप रेडी हैं अगर कोई जिम्मेदारी आपको लीडरशिप देती है, प्रणाली और सारी बातों के बाद अगर लीडरशिप आपका नाम तय करती है, क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैं तो रेस में ही नहीं हूँ। क्या पता किसने कहा तो भाई, ये तो फैसला केंद्र लेते तो जो है तो के हाथ की बात है। और हरियाणा की जनता का हम फिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनका ले देते हैं मौसमी जी का। साहब की गुगली पे कॉल और गुगली डालना चाहती हूँ, घोड़ा कौन चढ़ेगा? आप थोड़ा लेट आए शायद, आप थोड़ा लेट आए, जवाब सुन रही थी आप थोड़ा सा लेट आए। इस पे काफी अच्छी चर्चा हो गई है, मुझे लगता है कि आप लोग ये कुछ मन बना के आए हैं ऐसा लगता है।